तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक एंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे ओला इलेक्ट्रिक का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें ओला कंपनी के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल लेवल्स एंड हमें यहाँ पर जो है वो अब फर्दर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर ओला कंपनी की, तो फाइनली यहाँ पर ओला के अंदर हमें इस वीक में ही यहाँ पर जो कंपनी का इश्यू प्राइस था आईपीओ का 75, वो एक बार के लिए आता हुआ देखने को मिल गया। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो स्टॉक ने जो है वो एक बार के लिए यहाँ पर एक नया ऑल टाइम लो भी लगा लिया, ठीक है, बट वहाँ से फिर जो स्टॉक है वो यहाँ पर हमें रिकवर भी होता हुआ देखने को मिल गया। अब यहाँ से फर्दर विजन जो है वो अपना क्या रहेगा, तो अगर मान लो ओला इलेक्ट्रिक चल गया और नेक्स्ट वीक में अगर इसने 85 को ब्रेक कर दिया तो ये एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन और ये इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, देन ओनली स्टॉक विल गो अप, और एल्स क्या होगा, स्टॉक लेगा वापस से 85 रुपीज़ के अराउंड से रिजेक्शन एंड अगेन हमें यहाँ पर जो है वो स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी।